अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। इस वीडियो में मैं जो अर्निंग का मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है। विदाउट स्किल आप $10 से लेकर $50 की अर्निंग कर सकते हैं डेली। ठीक है, काम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान काम है। मोबाइल के ऊपर आप इस मेथड को ऊपर वर्क करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ना ही आपको वीडियो बनाने की जरूरत है, ना ही आपको ब्लॉग लिखने की जरूरत। जस्ट आपने सिंपल सी पोस्टिंग करनी है और आपके आपको उसके ऊपर जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही ज्यादा आपको अर्निंग हो। मैं आपके लिए इसी तरह ही आसान और इजी मेथड लेकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक आपने लाजमी करना है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और 7 घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि इस तरह ईजी अर्निंग के मेथड आपको मिलते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना यूट्यूब के ऊपर। तो YouTube के ऊपर आकर आपने सर्च कर लेना अनबिलीवेबल वीडियोस ऑफ द वर्ल्ड। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिसके अंदर जो है ना वीडियो वायरल हो रही होती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐसी वीडियो निकाली है जो अनबिलीवेबल होती हैं और लोग इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं 9.5 मिलियन व्यूज आए इसके ऊपर और 7.1 मिलियन व्यूज आए इस वीडियो के ऊपर, और यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर 13 मिलियन व्यूज आए हैं 4 मंथ के ऊपर। और यहाँ पर जो वीडियो आपको नजर आ रही है, इनके अंदर अनबिलीवेबल मूवमेंट्स होते हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए वो जो है ना आपके लिंक ऊपर क्लिक लाजमी करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी वीडियो को ओपन करके उसके अंदर जो अनबिलीवेबल मूवमेंट्स होगा उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप यहाँ पर जो वीडियो के ऊपर जो थंबनेल है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अदरवाइज आपने इस वीडियो का लिंक आपने कॉपी करना है और इसके थंबनेल को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरीके से आगे जो है ना काम करना है। तो आपने गूगल पर आकर आपने सर्च लेना है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगी, आपने वीडियो का जो थंबनेल है उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है कैनवा के अंदर। उसके बाद आपने कैनवा पर आ जाना, और कैनवा पर आकर आपने पोर्ट्रेट मूड का जो डिज़ाइन वो आपने क्रिएट करना है, इस तरह का रेशो आपने सेलेक्ट करना है। मोबाइल फ्रेम के अंदर आपने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है, पोस्ट आपने क्रिएट करनी है। अब पोस्ट किस तरह करनी, जो थंबनेल मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम एक छोटी सी पोस्ट जो है ना डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर इमेज मैंने अपलोड कर ली, और यहाँ पर इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, और ये हमारी जो है ना पोस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसे आपने इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना और इस तरीके से, ठीक है, आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह हम लिख लेंगे। तो टेक्स्ट कौन सा लिखना है, जो हमने यूट्यूब से जिस वीडियो का लिंक हमने कॉपी किया था, तो यहाँ से हम इसका जो टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और दोबारा चले जाएंगे कैनवा के ऊपर, और यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपने काम करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर आप जो है अपनी तरफ से भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि यूज़र जब इसको पढ़ेगा तो वो इस इमेज पर क्लिक करके और आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, जैसे वो क्लिक करेगा तो इससे आपको भी अर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे ज़रा टेक्स्ट अच्छा नज़र आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। आप इसको और भी अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं, मतलब इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा टेक्स्ट ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम लिख लेंगे वॉच फुल वीडियो लिंक, लिखेंगे क्लिक हेयर लिंक। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, और इसको नीचे ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है। अब इस तरीके से आपने एक पोस्ट आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी जो थंबनेल है, इमेज है, इसके ऊपर जो है ना एक एरो का निशान है, और ये एक अनबिलीवेबल मोमेंट है, और जो बंदा जो है ना इस तस्वीर को देखेगा तो वो इस की वीडियो को देखने के लिए जो है ना लिंक के ऊपर क्लिक लाजमी करेगा। एक और चीज़, आपने एलिमेंट्स के अंदर आने, और आपने यहाँ पर लिखकर सर्च करने आपने लिखना है प्ले बटन, और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ से हम एक बटन जो है ना इमेज के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने ग्राफिक्स के अंदर आने,
और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइकन नज़र आएंगे, आप कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री के भी काफ़ी आइकन मिलेंगे और पेड आइकन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्री का आइकन है इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको ले लेता हूँ जो फ्री का है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं जो थोड़ा सा विजिबल हो, तो यहाँ पर ये सही तरह से विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। या आप इसके कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो ये वाइट के अंदर भी नज़र आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोई और कलर भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप, तो यहाँ पर मैंने ये वाला आइकन चूज़ किया और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि जो इमेज है यहाँ पर फुल इमेज के ऊपर ना आए, ताकि ताकि व्यूवर्स को ये इमेज नज़र आए और जिसके ऊपर वीडियो को देखने के लिए लिंक ऊपर क्लिक करके जाए, ठीक है। यहाँ से इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा। इस तरह का आइकन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का भी आइकन मिल जाएगा, आप उस आइकन को डाउनलोड करके और उसके बाद यहाँ पर इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये इमेज हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पोस्टिंग क्रिएट करनी है, और डेली की कम अज़ कम आपने 3 पोस्टिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है Pinterest.com के ऊपर, तो आपने आ जाना Pinterest.com के ऊपर और यहाँ पर आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट अपना नेम, ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह देना, आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने डेली की कम अज़ कम 3 पोस्टें लाजमी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हर तरह की पोस्टें मिलेंगी, हर तरह के अकाउंट मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इमेज जो है उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब मैंने जो इमेज क्रिएट की है तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, और यहाँ पर क्रिएट पिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर उस पिन को जो पोस्ट मैंने क्रिएट किया उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या करना है, आपने जो जिस वीडियो की इमेज आपने ली है इसका लिंक आपने कॉपी करना वीडियो का, ठीक है। अब बात है अर्निंग किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपने लिंक शॉर्टनर का यूज़ करना है। अब यहाँ से वीडियो का लिंक आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है shinikmeet.io। अब इसके ऊपर आकर आपने जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जस्ट अपना ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह देना है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड आपने देना है, और नीचे कैप्चा आएगा उसको सॉल्व करना है, एग्री करके आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब उससे पहले आपको अर्निंग कितनी होगी, यहाँ पर अगर आपके लिंक ऊपर क्लिक करके आते हैं जो आपने शॉर्ट किया होगा इस वेबसाइट से, तो आपको कितनी अर्निंग होगी ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना पे आउट रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको ग्रीनलैंड से क्लिक्स आते हैं तो यहाँ पर आपको पर 1000 क्लिक्स के ऊपर $22 की अर्निंग होगी, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से भी आपको $16 की अर्निंग होगी, और यूनाइटेड स्टेट से भी आपको $11 की अर्निंग होगी। अगर आपको 1000 क्लिक्स आ जाते हैं, आपके लिंक के ऊपर क्लिक्स आते हैं, तो आपको $11 की अर्निंग होगी, ठीक है। और क्लिक लाना जो है ना कोई मुश्किल नहीं है, आपको आराम से जो है ना Pinterest से हज़ारों के हिसाब से आपको क्लिक्स आएंगे, ठीक है। वो किस तरह ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमने लिंक कॉपी किया उसको यहाँ पर हम शॉर्ट कर लेते हैं, लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, और यहाँ से लिंक को शॉर्ट करके हम शेयर करेंगे, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आकर इस वीडियो को जो है ना यूज़र व्यूवर्स देखेगा, तो इससे हमें अर्निंग होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर आपको क्लिक्स आते हैं और अर्निंग होगी, तो आप अर्निंग को किस तरह विड्रा करवा सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सेटिंग के ऊपर आना है, और हम विड्रा मेथड जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको विड्रॉल मेथड नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप विड्रा मेथड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर बाइनेंस के अंदर भी ले सकते हैं, पेयर एयरटीएम और परफेक्ट मनी, और उसके अलावा यहाँ पर पेटीएम, फ़ोनपे, UPI और पेपाल, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड नज़र आ रहे हैं जिनसे आप अपनी अर्निंग को विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पेयर से ले सकते हैं, और यहाँ से जो है ना पेपाल के थ्रू अगर आपको बना, या आप परफेक्ट मनी से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अर्निंग को आराम से विड्रा करवा सकते हैं, और अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू शॉर्टन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर जो लिंक हमने कॉपी किया उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर शॉर्टन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका लिंक शॉर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक शॉर्ट होकर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपने इस लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना Pinterest के ऊपर, और यहाँ पर जो इमेज हमने क्रिएट की है पोस्ट उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपने इस पोस्ट को पब्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक हमने कॉपी किया उसको यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर टाइटल लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, और इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। तो टाइटल जो हमने बनाया था यहाँ से निकाला था,
वीडियो का टाइटल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर टाइटल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से टाइटल भी पेस्ट हो चुका है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पर टाइटल को आप पेस्ट कर सकते हैं। और आपने कुछ थोड़े बहुत हैशटैग आपने यूज़ करने हैं, ये हैशटैग जैसे कि मिस्टीरियस जो हैशटैग है यहाँ पर जो वर्ड है इसको हम हैशटैग के सूरत में भी लिख सकते हैं। कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद हैशटैग के साथ ही इसको मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद दोबारा हैशटैग लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम जो वीडियो है इसको भी मैं हैशटैग की सूरत में लगाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना, यहाँ पर नीचे आप टैग्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वीडियो आप लगा सकते हैं यहाँ पर वीडियो गेम्स वीडियो जो भी है, फ़नी एनिमल वीडियो, जो अगर आप फ़नी एनिमल की वीडियो लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं इस तरह के यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है और इसको आपने पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने डेली की 3 पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अर्निंग किस तरह होगी, यहाँ पर जैसे यूज़र आपकी इमेज के ऊपर क्लिक करेगा और उसके बाद जो लिंक आपने दिया होगा वो लिंक पर क्लिक करके जो इंसान है वो आपकी वीडियो को देखेगा, जो वीडियो आपने ऐड की होगी उस वीडियो को वॉच करेगा, उससे आपको अर्निंग होगी। ठीक है, अब व्यूज़ जॉनसन आपको ये नहीं कि आज आपने यहाँ पर पोस्ट की है और आपको जॉनसन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी कल से, बल्कि आपको रेगुलर आपने 2 महीने इसके ऊपर रेगुलर वर्क करना है, उसके बाद आपकी आपकी पिंस के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कितनी ट्रैफिक आती है, जस्ट एक अकाउंट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, किसी भी अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक आती है और लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपके प्रोडक्ट है उसको भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक अकाउंट को जस्ट ओपन करता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं उसके अकाउंट के ऊपर व्यूज कितने आ चुके हैं। ठीक है, यहां पर मैं इस अकाउंट को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर हम देख लेते हैं इसके ऊपर कितने ज्यादा व्यूज आए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 28 दिनों के अंदर यहां पर 280,000 व्यूज यहां पर आ चुके हैं, और फॉलोवर्स यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट सिर्फ 244 फॉलोवर्स हैं। आपके अगर 0 फॉलोवर्स भी हैं तब भी आपको अर्निंग होगी, आपने रेगुलर पिंस अपलोड करनी है। ठीक है, जो ट्रैफिक है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पिंस के ऊपर जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आपके अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक आएगी, पिंस के ऊपर ट्रैफिक आएगी, उतनी इतनी ज़्यादा क्लिक्स आपके लिंक ऊपर आएंगे। अब इस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट 10 मिनट का काम है, डेली आपने 10 मिनट देने, तो रेगुलर अगर आप 2 मंथ इस मेथड के ऊपर वर्क कर लेते तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मैं इसी तरह के इजी आसान मेथड आपके लिए लेकर आते रहता हूँ जिसके अंदर कोई भी जो है ना हाई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और 7 घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि इस तरह मनी मेकिंग आइडियाज़ आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।